बैरिया में दो पक्ष, दोनों ही उपाध्याय हैं, उनके बीच काफ़ी दिनों से ज़मीन का विवाद चल रहा है, जिसके संबंध में मुकदमा कायम किया गया था। मुकदमा कायम हुआ था, उसमें गिरफ्तारियां भी हुई थी, निरोधात्मक कार्रवाई भी की गई थी। उसके बावजूद परसों अचानक बैरिया बाज़ार में इन दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई और एक पक्ष को चाकू से चोटें आई हैं। उसी की प्रतिक्रिया में चोटिल पक्ष के कुछ सदस्यों ने हमलावर पक्ष पर हमला किया सीएचसी के पास, जिसमें उस पक्ष के भी एक व्यक्ति को काफ़ी चोटें आई हैं, उनके पैर टूटने की भी बात संज्ञान में आई है। इसी को लेकर दोनों पक्षों ने एक दूसरे के विरुद्ध अभियोग दर्ज कराए हैं। एक पक्ष ने 14 लोगों को नामित किया है और दूसरे पक्ष ने 17 लोगों को नामित किया है, जिसमें उन्होंने एक एमएलए महोदय का भी नाम साजिश में शामिल होने के संदर्भ में लिया है। एफआईआर दोनों पक्षों के दर्ज है और निष्पक्ष विवेचना इसमें की जाएगी। के ऊपर भी एफआईआर दर्ज हो गया। हाँ, यह प्रजातंत्र का दुर्भाग्य है कि बिना किसी कारण के और राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता पर साजिश रचने का जो है और एफआईआर होता है। ये दो पक्ष, दो उपाध्याय परिवार में जमीन संबंधी भी बात है, विवाद चल रहा था सोनबरसा में। एक महीना पहले भी एक गरीब ब्राह्मण का जमीन हड़प जो है जबरदस्ती कब्जा कर रहा था एक धनवान व्यक्ति, तो मैंने मदद किया था, उसका कब्जा नहीं होने दिया। फिर एक महीना बाद कल जो है दोनों पक्ष बैरिया बाजार में आमने सामने हो गया। लोग बताते हैं मैं तो था नहीं, लेकिन पता चला कि मारपीट हो गई आपस में लोगों की। फिर वहाँ जो है उस पक्ष के आदमी जो है एक धीरेन्द्र कुमार सिंह और बड़क सिंह कट्टा भी पूरे बाजार में चमकाया, दौड़ाया लोगों को और फायर भी किया। मैंने पूरा सीसीटीवी कैमरे में उसका फुटेज कैद है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, स्पष्ट दिख रहा है। और मुझे कहने में क्या है, अब तो अफसोसी इस बात का हो रहा है कि प्रजातंत्र इस समय में भी मैंने कहा जाएगा भगवान जाने, कि जहां सीसीटीवी कैमरे में स्पष्ट दिख रहा है, कोई घटना का विवरण दिख रहा है, उसके बाद भी हमारे ऊपर, हमारे पुत्र के ऊपर, हमारे बड़े भाई के ऊपर, हमारे भतीजा के ऊपर, चार ही लोग हम लोग परिवार में साजिश के तहत जो है एप्लीकेशन दिलवा करके एफआईआर दर्ज कराया गया। कौन लोग साजिश कर रहे हैं आप? हमारे भाजपा के सांसद। कौन कौन सांसद? अब इसका इतना तो नहीं कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जिनका जितने अब जनाधार लगभग समाप्त प्राय हो रहा है ऐसे लोग, तो वो लोग हमारे पॉपुलरिटी को देख करके उनके दिमाग में थोड़ा सा भय उत्पन्न हो गया है। तो मुझे इन सब चीज़ों का तो डर होता नहीं, मैं समाज और गरीब का काम करने के लिए राजनीति में पैदा हुआ हूँ। ये माना जाए सांसद जी की, विधायक जी की, सांसद जी के इशारे पे एसओ ने आपके खिलाफ फर्जी मुकदमा? हाँ, निश्चित रूप से मानिए मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि जो है ये किसी न किसी सांसद और हमारी पार्टी के सांसद के इशारे पर इस तरह की बात हुई है।